हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस डेलिकेसीज। आज हम बनाने जा रहे हैं खड़ा मसाला चिकन। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। खड़ा मसाला चिकन बनाने के लिए यहाँ पे 1 किलो चिकन लिया है, पीसेस में कटा हुआ है। यहाँ पे खड़ा मसाला लिया है, यहाँ 4 से 5 प्याज कट करके लिए हैं, 1 कप दही है, 1 कप कोकोनट लिया है पेस्ट किया हुआ है, 2 टमाटर की प्यूरी बनाई है, गरम मसाला 1 से 1.5 चम्मच लिया है, 1 चम्मच हल्दी और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और 3 हरी मिर्च ली है बीच में कटी हुई, 2-3 चम्मच हमें तेल चाहिए। यहाँ पे पैन रखा है, इसमें मैं 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल डालती हूँ। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हमें खड़ा मसाला डालना है। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसमें अभी खड़ा मसाला सब सारे खड़े मसाले जो हमने लिए हैं एक साथ हमें ऐसे डालने हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। अभी इसमें मैंने अनियन डाला है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। इसको तब तक पकाना है जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए, ऐसे मिक्स करते हुए रहना है इसको। और हमने जो खड़ा मसाला पहले डाला है उसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स होना है। इसको 4 से 5 मिनट तक ऐसे मिक्स करते रहना है। इसे अभी 4 से 5 मिनट के लिए हमें ऐसे मिक्स करके रहना है। यहाँ पे अनियन जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इसमें जो खड़ा मसाला है उसके साथ वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अभी मैं इसमें चिकन ऐड करती हूँ। चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और 10 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है। अभी चिकन अभी कुक हो चुका है 10 मिनट के बाद, तो इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करती हूँ। और हल्दी भी डालती हूँ। और जो नारियल का पेस्ट जो हमने बनाया है वो ऐड करती हूँ इसमें और इसको अच्छी तरह से मिलाना है। अभी मैं इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करती हूँ। हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके लेती हूँ। इसमें अभी टमाटो प्यूरी ऐड की है मैंने, इसको 7 से 8 मिनट हमें कुक करके लेना है। अभी 7-8 मिनट के बाद मैं इसमें दही ऐड करती हूँ। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें हमें गरम मसाला और नमक और ग्रीन मिर्ची डालनी है। मैं ग्रीन मिर्ची डालती हूँ और गरम मसाला, और अभी गरम मसाला डालती हूँ। इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद में नमक डालती हूँ। लास्ट में इसमें नमक ऐड करती हूँ
और इसको अभी हमें 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है और फिर हमारा खड़ा मसाला चिकन रेडी है। अनियन का फ्लेवर होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अभी हमारा खड़ा मसाला चिकन रेडी है बनके, इसको मैं अभी कोरिएंडर से गार्निश करती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।